हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम रक्षंदा है और मैं नेचुरल फैशन एंड मेकअप के ऊपर वीडियो बनाती रहती हूँ। अगर ऐसे कंटेंट में आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे। मैं ऐसे ही फन कंटेंट आपके साथ में हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो आज का एक वीडियो एक मेकअप रिलेटेड वीडियो है, जहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं मेरे एक्ने प्रोन स्किन को कवर करती हूँ। बिकॉज कोविड के वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ते, हमेशा हमें मास्क लगाना पड़ता है और स्किन को बिल्कुल भी ब्रीदिंग करने का चांस नहीं मिलता है। एंड दैट्स व्हाई एक्ने होते रहते हैं। मुझे तो ऐसे भी ऑफ सीजन भी एक्ने होते हैं। सो डोंट वरी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग। बट इफ़ यू वांट टू कवर इट यूजिंग अ मेकअप, देन हाउ यू शुड डू अ मेकअप, वही मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो बने रहिए मेरे साथ में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो। फेस मेकअप पे ज़्यादा फोकस करने वाली, तो अगर आपको बेस अच्छा चाहिए तो आपने सबसे पहले तो अच्छी लेयर मॉइस्चराइज़र की अप्लाई करनी है। देन आपको सनस्क्रीन यूज़ करना है, अगर आपके पास सीरम है वो भी यूज़ करना है, एंड फिर आपने प्राइमर वगैरह यूज़ करना है। तो मेरे पास अभी सनस्क्रीन नहीं है, तो मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने वाली हूँ अच्छी तरीके से। आई एम यूजिंग हियर बायोटिक का नेक्टर मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले तो मेकअप करने से पहले आपने अच्छी तरीके से आपके फेस को वॉश करना है यूजिंग गुड फेस वॉश, और फिर ही आपको मेकअप करना है। उससे आपका मेकअप बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगा। मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, देन मैं अगर प्राइमर की तरफ इमिडिएटली बढ़ जाऊंगी तो मॉइस्चराइजर को स्किन के अंदर अच्छी तरीके से मिलने में टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 30 to 40 seconds। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद में इमिडिएटली मैं अभी प्राइमर की तरफ बढ़ने वाली हूँ। अगर मेरे पास सनस्क्रीन होता या फिर सीरम होता तो वो लगाने के लिए भी मुझे यही टाइम था, बट नाउ आई एम गोना क्विकली जंप इनटू अ प्राइमर प्रोसेस। स्विस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ करूँगी। हर प्रोडक्ट की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या फिर यहाँ पर भी पॉपअप कर दूँगी। इनकेस यू वॉन्ट यू कैन चेक दैट आउट, दिस वुड बी इनफ बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी एंड अच्छा प्राइमर है। अगर मैं ज़्यादा लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा शाइनी मेरा फेस लगेगा, और इतना मुझे चाहिए नहीं है। इतना प्राइमर काफ़ी हो जाता है, और मैं इसे अच्छी तरीके से रब करूँगी। इसी तरीके से मेरे स्किन में ये सिंक हो गया है। तो अगर आपके पास कलर करेक्टर है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं भी है तो भी आप कंसीलर से किस तरह से अच्छे से फ्लॉलेस फिनिश पा सकते हैं। फ्लॉलेस फिनिश के लिए आपको कंसीलर एंड लूज पाउडर और फाउंडेशन, दिस आर इनफ। ये कंसीलर यूज़ करूँगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसील कर देता है। मैं तो इसे ही प्रेफर करती हूँ अगर मुझे फुल कवरेज चाहिए है तो। See how immediately it has given me a full coverage. मैं highly suggest करूँगी आपको, काफ़ी कम price में भी है। तो ये जो active pimple है ये तो थोड़े आपको दिखेंगे ही makeup होने के बाद में भी, but जो marks यहाँ पे है वो काफ़ी हद तक hide हो जाएंगे, क्योंकि जो active pimple है वो थोड़े ऊपर आए हैं, so that's why वो कम hide हो गए, लेकिन जो marks है वो तो hide हो ही जाएंगे। I'm gonna take a beauty blender and makeup fixing spray, और I'm quickly gonna blend it. जो प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा था वो ब्लेंड करने के बाद में इतना नहीं दिखेगा। एंड वैसे भी अगर आपको फुल कवरेज चाहिए है तो आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाना ही पड़ता है, अदरवाइज आपको इतना ज़्यादा कवरेज नहीं मिलता है। आई विल यूज पाउडर ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे दो पाउडर मिक्स करूँगी, एक शुगर का है और एक मेरे पास ऑलरेडी था, तो इन दोनों को मिक्स करके मैं अप्लाई करूंगी।
एक्चुअली 3 पाउडर को मैं मिक्स करके लगाने वाली हूँ। फ्रेशर्स कैनेडा का है एक और एक, अब मैं इसे डस्ट ऑफ कर दूंगी एक्स्ट्रा जो भी पाउडर है। This is how my base is looking right now. This is my favorite foundation from L'Oreal. ये almost खत्म हो गया है, मुझे ये repurchase करना है। Foundation blender और उसे एक fixer से थोड़ा सा वेट कर लूंगी एंड देन आई एम गोना अप्लाई माय फाउंडेशन। बहुत कम पाउडर अप्लाई करके मैं बस क्रीज जहाँ पे भी होता है थोड़ा वहाँ ही पाउडर लगाऊंगी, बिल्कुल ना के बराबर। पाउडर आप कोई भी लूज पाउडर यूज कर सकते हैं। अभी मैं क्विकली आगे का प्रोसेस करती हूँ बिकॉज यही मेन प्रोसेस था जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। दिस इज हाउ आई डू माई बेस मेकअप जब मुझे अच्छा सा कवरेज चाहिए होता है। अगर आपको भी एक्ने है एंड यू वांट गुड कवरेज, सो दिस ट्रिक्स एंड टिप्स जो आपने फॉलो करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपको लगेंगे, 2-3 ही प्रोडक्ट लगेंगे, बट आपको जहाँ पे रुकना है वहाँ पे आपको रुकना है। जहाँ पे आपको सेटिंग स्प्रे से या फिर आपके जो ब्यूटी ब्लेंडर के ट्रिक्स है उनको फॉलो करना है वो आपको फॉलो करना है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अच्छा सा फ्लॉलेस बेस पा सकते हैं। कभी मैं बेस करते टाइम ही कॉन्टोरिंग करती हूँ क्योंकि मेरे पास में स्टिक कॉन्टोरिंग है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सिंक हो जाता है स्किन के अंदर और बहुत अच्छा सा नेचुरल कॉन्टोरिंग देता है। बट राइट नाउ मैंने ऑलरेडी बेस मेकअप कर लिया है क्योंकि मैं आपको बेस दिखाना चाहती थी कि मैं कैसा करती हूँ, तो उसकी वजह से वो वाला मैं कॉन्टोर यूज़ नहीं करूँगी। आई एम गोना यूज़ पाउडर कॉन्टोर पे। मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का पैलेट ब्लश कॉन्टोर एंड हाइलाइटर पैलेट। आई रियली होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन यू नो द ड्रिल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर देना। हर प्रोडक्ट के लिंक्स या फिर मैं नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको कुछ भी चेकआउट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे पॉजिटिव, टेक केयर, गुड बाय।